And just as politicians are busy campaigning in Punjab asking for votes, a group of women are also out campaigning with a rolling pin. That's right. They call themselves the Belan Brigade, and they're trying to reach out to voters, especially women, appealing to them to stay away from the lure of drugs and money in exchange for their vote. In the heat and dust of the campaign trail, there is a different kind of campaign taking place here in Ludhiana, the campaign against drugs and drug abuse. And in fact, here is the Belan Brigade who's leading that campaign. आप बेलन ब्रिगेड में भी है, ये बेलन ब्रिगेड की आइडिया आपको कहाँ से आई? मैम, लेडीज का सबसे बड़ा जो आजकल हथियार है वो बेलन ही है. इतना ज्यादा गांव में नशा है कि कुछ लोग किसी के बच्चे मरे हैं. इवन लेडीज इतनी मजबूर हैं कि अपने बच्चों को वो खुद इंजेक्शन लाके देती हैं नशे के, क्योंकि वो अपने माँ कभी भी अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती. थ्रू दिस कैंपेन वी हर्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मेक अ पिच फॉर स्टॉपिंग द ड्रग प्रॉब्लम. इन फैक्ट दे मोर सो लेवल्ड एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, समटाइम्स टॉकिंग अबाउट ड्रग्स कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड सम इवन मेकिंग द एलिगेशन दैट मिनिस्टर्स विद इन द करंट स्टेट गवर्नमेंट हैव अ रोल टू प्ले इन इट. Either way, the people who suffer are the ones who actually are bearing the consequences, the families of those who are drug abusers. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है. हर एक औरत हमारे साथ जुड़ना चाहती है और कहती है, कई तो बैठी बैठी रोने लग जाती है क्योंकि हर एक औरत के साथ कोई ना कोई नशे की पीड़ा है, चाहे उसका किसी न किसी का कोई भाई है, किसी का पति है, किसी का लड़का है. आज हमारे समाज में ये हालत हो चुकी है कि 72% तो हमारे युवक नशे का शिकार हुए हुए हैं. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हियर दे गो डोर टू डोर, दे ट्राई एंड गेट पीपल इन्वॉल्वड. इट्स अ पार्टिसिपेटरी सॉर्ट ऑफ प्रोसेस. दे ट्राई टू गेट मोर एंड मोर पीपल टू बिकम अवेयर दैट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम दे विल बी गिवन अ लॉट ऑफ प्रॉब्ली देयर विल बी अटेम्प्ट्स टू ब्राइब देम आइदर थ्रू मनी और इवन थ्रू ड्रग्स. एंड इनफैक्ट इन 2009 the state government of Punjab had submitted an affidavit to the court in which it had said that more in at least 67% of households all across Punjab there is at least one person who is a drug addict. Yahan par nashe ka Punjab mein kitna kitni buri halat hai nashe ki wajah se? Haan ji, bahut buri halat hai Punjab mein. Bahut peete hain, sharab bhi le, ganja bhi le, bhang bhi le, har ek cheez chalti hai. तो क्या करें? रिसेंटली वी वेंट टू बॉम्बे एंड वी वर बीइंग आस्क्ड फॉर द सेम क्वेश्चन दैट ओवर पंजाब मोर एंड मोर यूथ दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स ड्रग, सो व्हाट इज द पोजीशन ओवर योर हाउस. सो आई वाज वेरी अशेम्ड दैट द पंजाब व्हिच वाज रिनाउंड फॉर इट्स नेम एंड फेम एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, नाउ इट इज बीइंग डिफेम्ड फॉर जस्ट फॉर ड्रग्स एंड दैट टू ऑल्सो दैट इज पॉलिटिकली हैंडल्ड. इसके बारे में सभी राजनीतिक पार्टियां बात करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता है? कोई भी कुछ करता. और ये प्रॉब्लम कितना बढ़ गया है? हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे मींस जो एजुकेशन भी कर रहे हैं वो भी नशा ही कर रहे हैं, और उसकी वजह से कितना प्रभाव परिवार पे पड़ता होगा? काफी ज्यादा. आपने भी लोगों को देखा है यहाँ आसपास या मोहल्ले में कहीं नशा करते? हाँ, काफी मींस लोग हैं जो करते हैं, परेशान है घर वाले भी बहुत ज्यादा. Through this campaign, the Belan Brigade is trying to convince people that elections will come and go, but the problem is here to stay, and they need to continue to keep tackling the very source of that problem. In Ludhiana, with camera person Ashwini Mehra, Ketki Angre, for IDTV. Belan Brigade, Jindabad. Belan Brigade, Jindabad. Belan Brigade, Jindabad. Belan Brigade.